गबन के मामले में वर्ष 2022 से फरार इनामी आरोपी को पन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के द्वारा भोले भाले किसानों से 35 लाख रुपए का गेहूं खरीदकर नहीं किया था भुगतान। खबरों के प्रायोजक है महाराजा ऑप्टिकल इलाहाबाद बैंक के सामने पन्ना। महाराजा ऑप्टिकल में कराएं निःशुल्क आँखों की जाँच। पन्ना पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में भोले भाले किसानों का गेहूं खरीदकर उपार्जन केंद्र से 35 लाख रुपए का गबन करने वाले तीन आरोपियों को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में फरियादी राजेश सकल्ले पिता स्वर्गीय राधा कृष्ण सकल्ले उम्र 59 साल निवासी प्रभारी जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश रेस सिविल लाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड जिला पन्ना द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट की गई थी कि स्व सहायता समूह बराज केंद्र 1 व 2 में मां काली स्व सहायता समूह बराज केंद्र द्वारा किसानों का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही उक्त समूह द्वारा गेहूं खरीदी में गंभीर अनियमितताएं की गईं। फरियादी की रिपोर्ट पर मामले में आरोपियों जिसमें ब्रजकिशोर पटेल, कमला पटेल, प्रसाद पटेल उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी बराज थाना कोतवाली पन्ना मध्य प्रदेश और दूसरा जलज कुमार चतुर्वेदी पिता द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 38 वर्ष निवासी बराज थाना कोतवाली जिला पन्ना, तीसरा भोले उर्फ चंद्रेश राजपूत पिता पर्वत सिंह राजपूत उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी गोरा थाना कोतवाली जिला पन्ना के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 420, 409, 406 सहित मामला कायम किया और विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं गणेश एस थोटा के निर्देश अनुसार थाना स्तर पर निरीक्षक रोहित मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा मामले में फरार आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए। उक्त मामले में घटना दिनांक से फरार तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा इनाम घोषित किया गया। पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22/11/2024 को पुलिस अभिरक्षा में उन लोगों को लिया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। उक्त आरोपियों द्वारा अपराध करित करना स्वीकार किया गया।